आइए हम आपको बताते हैं कि नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता, काम करने वाला कभी मालिक नहीं बन सकता। और वही नौकर जो होता है मालिक बन के काम कर सकता है, तो नेक्स्ट स्टेज पर वही मालिक बन जाता है। ये वीडियो का शीर्षक है कि नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता। और जो नौकर कंपनी में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो या ऑफिस में हो, अगर मालिक बन के काम करता है तो वही अगला मालिक बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बंदा जो सामने देख रहे हो ये है, कभी किसी कंपनी में काम किया तो नौकर की तरह काम नहीं किया, मालिक बन के काम किया। 6 बजे का जरूरत पड़ता 6 बजे कंपनी में जाता था, रात को 12 बजे तक काम करता था। रिकॉर्ड पूछना है तो कांता इंटरप्राइजेज, कांता रबर प्राइवेट लिमिटेड में पूछ सकते हो। दूसरा रिकॉर्ड पूछना है तो पॉली होज में पूछ लो। जब बंदा 6 बजे ड्यूटी पर चढ़ा था तो दूसरे दिन 6 बजे सुबह उतरा था, कंटिन्यूस 24 आवर्स काम किया, क्योंकि उसका टारगेट था मशीन को चालू करना। और भी एग्जाम्पल बोल देता हूँ कि शारदा इंजीनियरिंग जो जब काम किया तो नौकर बन के नहीं मालिक बन के किया, आज मालिक बन के खड़ा है। तुलसी इंटरप्राइजेज है, कल गए मालिक बन के काम किया तो मालिक बन के आज भी काम कर रहा है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा। आज काम करने वालों का मेंटालिटी संकुचित रह चुका है, उसका विचार इतना गंदा भ्रष्ट हो चुका है कि वो उससे कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालने के लिए रेडी नहीं है। अगर उसका ड्यूटी टाइम बोला जाता 9 बजे तो कभी भी क्या 8 बजे आकर के अपना काम किया है? क्वेश्चन नंबर 1। अगर वो मालिक होता तो 8 बजे भी आके काम कर सकता था किसी दिन। कभी वो कंपनी के ड्यूटी टाइम को ही माइनस करने का कोशिश करता, जो नौकर का मेंटालिटी रहता है। सर मेरे दोस्त, जो नौकर का मेंटालिटी रहता है ना, तो कभी भी अपना ड्यूटी टाइम में ही माइनस करने को बार बार कोशिश करता है, ना कि कभी भी प्लस करने को कोशिश नहीं करता। कभी हाफ डे मांगेगा, कभी लेट आएगा, तो अपना वर्किंग टाइम को ही माइनस करेगा। तो सैलरी पूछता है कि मेरे को ज़्यादा चाहिए, सैलरी कैसे ज़्यादा मिलेगा? कभी क्या दिल से वो कंपनी के लिए बेनिफिट देने के लिए कोशिश किया है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सर, अगर आप नौकरी करते हो कभी भी कंपनी के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे करके कभी फ्री में काम किया हो? नहीं, क्योंकि कंपनी का ही टाइम को आप काटने की कोशिश करते हो, इसलिए जिंदगी में हमेशा नौकर ही रहते हो। इसलिए आज का टॉपिक है कि मालिक ही रहता है, अपना पूरा जिंदगी उसमें लगाते चला जाता है, उसको रात को चैन नहीं, दिन का हराम हो जाता है नींद। जो भी मालिक बनता है काफी रेस्पॉन्स लेके चलता है, वही नौकर मालिक बन सकता है जो मालिक की तरह काम करता है। आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने गिने चुने कितने लोग हैं जो मालिक की तरह काम करते हैं, एक बहाना नाचे न जाने आगन टेढ़ा, कभी ये मशीनरी प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, कभी ये सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कभी हमको क्या जरूरत है काम करने की, और हम डिमांड करते हैं कि हमको सैलरी ज़्यादा चाहिए। तो काफ़ी रीजन होते हैं। आज मेंटालिटी इतने, आज चाइना सबसे आगे है कि वहाँ सब जो है मेहनत करते हैं, कोई हॉलीडे नहीं लेते हैं और साल में एक ही हॉलीडे लेते हैं। जापान को देखिए, जब उसको कोई प्रोजेक्ट आता है, अगर कोई रोड खराब हो जाता है तो सुबह होने तक इंतजार नहीं करता वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के कंस्ट्रक्शन कंपनी, रातों रात उसको सुबह तक एकदम अप टू डेट करता है। जापान का नाम सुना होगा, सबसे विकसित और सबसे टैलेंटेड जापानी लोग होते हैं। कोई भी चीज खराब हुआ तो उसको डिले नहीं करते, सेम डे में रातों दिन मिलकर उसको खत्म कर देते हैं, विद इन 2 आवर्स, ज्यादा टाइम नहीं लगने देते। आज इंडिया में लोगों का मेंटालिटी क्या है, अगर रोड खराब हो गया तो बरसों लग जाता है उसको सही करने, महीनों लग जाता है। क्यों? हमारा सोच ही हमारे विनाश का कारण है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप अच्छा आदमी बनना चाहते हो
तो अच्छे इंसान की तरह काम करना सीखो। कभी मालिक बन करके देखो, कभी उसके सीट पर बंद कल्पना करो, रात में सोचो, सोने के टाइम सोचो, आखिर वो पेरेंट्स, वो माँ बाप, वो मालिक कंपनी का किस कंडीशन में बैठा है और कितने उसके ऊपर प्रेशर है। क्या उसका प्रेशर को आप कम करने के लिए जाते हो कि और बढ़ाने के लिए जाते हो? आपको इसलिए रखता है कि आप हमारा पार्ट बनोगे, हमारा टेंशन को कम करोगे, नहीं कि टेंशन बढ़ाओगे। और हर नौकरों का अगर पॉजिटिव सोच होने लगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बच्चा, अगर मैं घर से ही बात करता हूँ, आपका फादर जो बोलते हैं, मम्मी दे बोलती है, वो बात को बार बार अगर बच्चा काटता है तो फैमिली क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, हर आदमी निगेटिव बात करने लगता है तो ऑर्गेनाइजेशन का धज्जियाँ उड़ जाती है। एक वर्कर बोलता है, सुपरवाइजर बोलता है ये काम करना है, एक बोलता है हमारा काम नहीं, हम क्यों करेंगे, हमारा तो इतना ही टाइम है। लेकिन कभी कभी उसको जल्दी जाना होता है, कंपनी कभी उसका पैसे नहीं काटती है, और कभी जरूरत पड़ गया आधा घंटा रुक के काम करने के लिए, कुछ लोडिंग अनलोडिंग, तो बोलता कि हमारा काम नहीं है। क्या मेंटालिटी है लोगों का, क्या सोच है? हम टाइम देखते हैं और पैसे ज़्यादा सोचते हैं कि मिलेगा हमको। हम कितना काम करते हैं, आज मॉडर्न है जो है, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, जिस दायरे में हम काम करते हैं उस दायरे से भी कम करते जाते हैं काम को, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नहीं कर पाते हैं, तो और एडिशनल काम क्या करेंगे? क्या बच्चे जब पैदा इंसान करता है तो बच्चे को राइट लेफ्ट हैंड का जिम्मेदारी लेना चाहिए? माँ बाप ये सोच करके बच्चा पैदा करता है, परिवार बढ़ाता है कि हमारा बच्चा जो है हमारा सहारा बनेगा, वही बच्चा जो है बड़ा होके और दुख का दर्द कारण बनता है तो माँ बाप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को एक पार्ट दिया जाता है, एक रोल दिया जाता है कि आपको ये रोल निभाना है, वो रोल निभाता नहीं है तो उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की धज्जियाँ उड़ जाती है। तो आपने देखा कि नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता, बन सकता है माइनर जो मालिक बन के ही काम करता हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद है तो काफी लोगों को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।